हेलो फ्रेंड्स, सत्य में जाते हैं। आइए हम कुछ टॉपिक को समझते हैं और यहीं पे पढ़ते पढ़ते याद भी हम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक हमारा क्या है। तो ये जो हमने पार्ट लिया, जैसे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल है, ठीक है, फिर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रान है, उसके बाद तारक कहाँ है यानी कि सेंट्रोसोम है। तो ये सभी क्या है, कोशिका के मुख्य पार्ट है, कोशिका के मुख्य हिस्सा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये कोशिका भित्ति होता क्या है यानी कि सेल वॉल। तो कहता है यह केवल पादप कोशिकाएं पाया जाता है। पादप कहने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं, जैसे जितने भी पेड़ पौधा है, ठीक है, ये सब पादप में आते हैं। किस में आते हैं, पादप में आते हैं। तो कोशिका भित्ति केवल किस में होगा, पादप में होगा, यानी कि पेड़ पौधा में, पादप पेड़ पौधा में यानी कि पादप यानी कि पेड़ पौधा में ये पाया जाता है। फिर कहता है यह सेल्यूलोज का बना होता है, मतलब इसका जो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह केवल किस में होता है, तो केवल पादप कोशिका में होता है। किस में होता है दोस्तों, तो पादप कोशिका में होता है। फिर कहता है यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब यह जो होता है कोशिका को ना, मतलब यह कोशिका को निश्चित आकृति, आकृति कहने का मतलब जो आकार प्रकार जो होता है वो बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। फिर कहते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति पेनिट डोगल केन का बना होता है। किसका बना होता है, पेनिट डोगल केन का बना होता है, ठीक है, इसका बना होता है। किसका, जीवाणु की कोशिका, ठीक है। अब कहता है कोशिका झिल्ली क्या होता है यानी कि सेल मेम्ब्रान। सेल मेम्ब्रान क्या है, कहता है कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, मतलब कोशिका के जितने भी अवयव है, मतलब जितने भी पार्ट है, हिस्सा है, वे सारी क्या होते हैं, पतली झिल्ली के द्वारा, पतला झिल्ली के द्वारा क्या होता है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। फिर कहता है इस झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसी झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि कोशिका जो होता है, कोशिका के सभी अवयव क्या होता है, पतली झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कहता है यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। यह कौन सा झिल्ली होता है, तो अर्ध पारगम्य होता है। फिर कहता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। मतलब कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर गया, फिर कौन सा अंदर से बाहर आया, तो कौन सा जाएगा और कौन सा बाहर आएगा, ये निर्धारण करने का काम किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। अब है तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। क्या है, तारक काय या सेंट्रोसोम इसी को कहते हैं। कहता है इसकी खोज बोबेरी ने की थी। बोबेरी एक महान साइंटिस्ट थे, एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तारक काय की खोज की थी। फिर कहता है यह केवल जंतु कोशिका में होती है। यह किसमें होती है, तो जंतु कोशिका में होती है। तारक काय किसमें होती है, तो जंतु कोशिकाओं में होती है, ठीक है। फिर कहता है तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। मतलब तारक काय के अंदर क्या होता है, मतलब एक या दो कण जैसी रचना होती है, एक या दो कण जैसी क्या होती है, रचना होती है, और उसी को क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। फिर कहता है यह समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन में क्या करता है, ध्रुव का निर्माण करता है। तो हमने अभी पढ़ा, हमने अभी देखा सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति देखा, फिर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रान देखा, फिर तारक काय या इसी को कहते हैं सेंट्रोसोम को देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।